बजट है अराउंड 3000 रुपीज एंड लुकिंग फॉर ए एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन्स देन गाइस मेरे पास फायरबोल्ट रॉक एंड बोल्ट की रोवर प्रो स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। जो लॉन्चिंग प्राइस दोनों का था वो अंडर 3000 रुपीज था एंड अराउंड 300 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता था। ये 2800 पे लॉन्च हुई थी स्मार्टवॉच, जो कि आती है गूगल की पिक्सल स्मार्टवॉच वाले लुक के साथ एंड लुक वेरी प्रीमियम वेरी स्टाइलिश। So guys, let's have a discussion about which smartwatch you should consider under 3000 rupees with AMOLED display. But उससे पहले बता दूं, मेरा नाम सूरभ, आप देख रहे हैं JSTech चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर भी कर दो एंड सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन यूज दैट। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विद देयर लुक्स, सो रॉक स्मार्टवॉच डेफिनेटली प्रीमियम लुकिंग डिजाइन के साथ आती है। आपको जो मटेरियल मिलता है स्मार्टवॉच की बेल्ट क्वालिटी में वो एक प्रीमियम साइड है। इवन द पॉलीकार्बोनेट यूज है, बटन आपको मिलता है विद मेटेलिक फिनिश, सो वो चीज है। एंड जो स्ट्रैप्स हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ आते हैं, बिकॉज यार आपको इसको अलग से स्टिक करना पड़ेगा यूजिंग द पिंस यहाँ पे दी गई हैं जिससे स्ट्रैप लगेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो काफी ज्यादा नंबर में इसके स्टेप्स अवेलेबल होंगे, काफी लिमिटेड नंबर ही मिलेगा स्टेप के साथ, बट लुक अमेजिंग, प्रीमियम दिखेगा। बोथ मैन एंड वुमेन इसको प्रेफर कर सकते हैं। अनदर साइड अगर बात करें बोल्ट की, तो ये पॉलीकार्बोनेट फ्रेम के साथ आती है एंड डोंट लुक दैट प्रीमियम, एक नॉर्मल सा लुक दिया हुआ जो कि मैं बोलूंगा बोरिंग साइड है। एंड आपको डिस्प्ले काफी बढ़िया पे मिल जाते हैं, स्टेप्स भी चेंजेबल है, यहाँ पे स्टेप एडवांटेज के साथ आते हैं, स्मार्ट वॉच के साथ मिलते हैं 3-3 स्टेप्स आपको। ओके, सो फॉर लुक डेफिनेटली यू कैन गो विद रॉक, बट स्टेप अगर आपको चेंज नहीं करने लेते हो देन तभी आप इस परचेज करना। डिस्प्ले वाला पार्ट रॉक में आपको मिलते हैं 1.3 इंचेस का एक एमोलेड पैनल विद 390x390 पिक्सल डेंसिटी एंड 550 निट्स के ब्राइटनेस ये प्रोवाइड करते हैं, विच इज ब्राइट इनफ आउटडोर में आप इसको यूज कर सकते हैं। AOD के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सो स्क्रीन क्वालिटी काफी अच्छी है, इवन दो इसका UI भी अच्छा है एंड क्राउन जो दिया गया ना वो फंक्शनेबल है, वो एक तगड़ा पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है मेरे को। UI के मामले में कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा एंड आपको एक बढ़िया सा यूजर इंटरफेस स्मार्टवॉच में देखने के लिए मिलेगा। बात करें हम बोल्ट की स्मार्टवॉच की, 1.43 इंचेस का डिस्प्ले है विद 1000 निट्स ब्राइटनेस अमेजिंग, टॉप नॉच आपको मिलता है एंड 466x466 की यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, विच मीन जो पिक्सल्स हैं, जो कलर है, एवरीथिंग इज मोर बेटर देन रॉक। दोनों को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर भी किया आउटडोर में डेफिनेटली बोल्ट वाली स्मार्ट वॉच थोड़ी सी बेटर मिलती है। एंड इसका जो रेस टू वेक वाला फंक्शन है ना विद AOD भी वर्क करता है, यहाँ पे AOD के साथ कभी वर्क करता हुआ मिलेगा, कभी वर्क करता हुआ नहीं मिलेगा, बट AOD रोक में थोड़ा सा बेटर साइड आपको देखने मिलेगी, मोर ऑन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली बेटर मिलती है। UI दोनों स्मार्ट वॉचेज का काफी अच्छा है एंड मेरे को कोई भी स्मार्ट वॉच का UI में कहीं भी दिक्कत नहीं लगी, स्मूथ है, बेटर है एंड इजी टू यूज है। नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड वाइज कोई भी स्मार्ट वॉच में कोई भी कंप्लेन नहीं है, 100 प्लस दोनों स्मार्ट वॉच कंटेन करती हुई मिलती है एंड दोनों ही IP68 सर्टिफाइड है, तो आपका D2D लाइफ वाला जो डेटा है वो इजिली आप ट्रैक कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। एंड हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे दो सेंसर मिलते हैं, हार्ट रेट, SpO2, यहाँ पे तीन मिलते हैं, BP एड ऑन हो जाता है, बट दोनों में आपको फेक सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, आप ऑन द टेबल चेक कर सकते हैं, भाई टेबल का डेटा भी ये स्मार्ट वॉचेस बताती है। सो 24 आवर हार्ट रेट ऑन मत करना, जिससे डेटा वगैरह आपका टेबल वाला भी ट्रैक होता रहे इनकेस इफ यू आर नॉट यूजिंग योर स्मार्ट वॉच। बट कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है ऑन द रिस्ट, सो ऑन द रिस्ट दोनों स्मार्ट वॉच आपको सेम एक्यूरेसी लेवल के साथ देखने मिलते हैं एंड आप चेक कर सकते हैं कौन सी आपको पसंद है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, बट बोल्ट यहाँ पे विनर है बिकॉज ऑफ वन एडिशनल सेंसर। अब डे टू डे लाइफ वाले फंक्शन कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा कंटेन करती है, बोल्ट में आपको कैलकुलेटर का एक ऑप्शन एडिशनल मिलता है, यहाँ पे गेम भी मिलता है बट एक ही मिलेगा, फाइंड माय फोन है, फ्लैश लाइट है जैसे इसेंशियल फीचर मिल जाएंगे, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ एक सेंसर भी बेटर है एंड SOS कूल आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द बोल्ट स्मार्ट वॉच। फायरबोल्ट में पासवर्ड प्रोटेक्शन तो आपको मिल जा रहा है बट कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, फाइंड माय फोन मिलेगा, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल जैसे फंक्शन भी आपको मिलता है बट फ्लैश लाइट अगेन यहाँ से मिसिंग है। सो जो डे टू डे लाइफ वाले फंक्शन है वो बोल्ट में मिलते हैं, बट यहाँ पे ये जो क्राउन दिया गया ना वो बेटर साउंड करता है एंड बेटर यूजेबिलिटी में आपको हेल्प करेगा। बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बोल्ट यहाँ पे अगेन विनर है, बोल्ट में आपको
आउटडोर में जो कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है कंपेयर टू फायरबोल्ट थोड़ा सा बेटर है। सैंपल यहाँ पे है माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए एंड कुछ इस टाइप का माइक्रोफोन इसका परफॉर्म कर रहा है। बट अगर बात करें कॉलिंग फंक्शन की भाई म्यूट कर सकते हैं, फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं आपको कॉल, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। साथ साथ वॉल्यूम आप अप एंड डाउन कर सकते हैं माइक्रोफोन बटन, तो माइक्रोफोन की आवाज आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। कर रहे हैं फायरबोल्ट की रोक स्टार्ट उसका आउटडोर में माइक्रोफोन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहे हैं स्मार्ट वॉच के बारे में। फीचर फंक्शन के मामले में बोल्ट आपको बेटर मिलती है, लुक डिजाइन के मामले में फायरबोल्ट आपको बेटर मिलती है। सो यू हैव टू डिसाइड विच वन यू आर गोना गो विद। अगर मैं बताऊं भाई, मैं बोल्ट स्मार्ट वॉच लूंगा क्योंकि ये स्मार्ट वॉच अभी भी अंडर 3000 रुपीज अवेलेबल है। रोक का प्राइस 3500 रुपए टच कर चुका है। सो यू कैन चेक एंड जो उनसे आपकी बजट में सूट करती है वो आप मेरे को बता सकते हैं भाई। ये वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।